तो गाइस स्वागत है हम लोग चैनल मुक्ति सन्नी में। सो गाइस आज हम लोग फिर से यहाँ पे टॉपिक है ट्रू मीनिंग्स ऑफ लाइफ। मतलब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि मतलब जीवन का अर्थ क्या है। तो जीवन का अर्थ क्या नहीं कि मतलब यहाँ पे पहले हम लोग इस टॉपिक पर कि बचपन से हम लोग को जब हम लोग मतलब बुढ़ापे बन जाते तब तक हम लोग ने क्या क्या सीखा है जीवन के टाइम में। जो एवरेज यहाँ पे इंसान कितना दिन तक जिंदा रह सकते तो यहाँ पे 60-70 पकड़ लीजिए, या कोई कोई लोग ज़्यादा भी जीते। मतलब इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, और इस यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन सिस्टम्स ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का हम लोग क्या चेंज करना चाहिए, क्यों बदलाव लेना चाहिए, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मीनिंग्स ऑफ लाइफ, यहाँ पे जीवन का अर्थ क्या है, तो हम लोग ये इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। और यहाँ पे गोल्स ऑफ लाइफ भी डिस्कस करेंगे, और हेल्पिंग ईच अदर, कैसे हम लोग एक दूसरे को मतलब सहायता मतलब करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग का चैनल को अगर न्यू आए तो गाइस हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन नॉइज भी ऑल पर रखिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। सो गाइस यहाँ पे छोटे से इंट्रो से गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इंट्रो के बाद ही हम लोग आगे हैं। तो गाइस यहाँ पे पहला टॉपिक है जो यहाँ पे बचपन से फ्रॉम चाइल्डहुड टू एल्डर एज, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं उनका फैमिली का जो शिक्षा है, मतलब माँ बाप ने जो शिक्षा दिया है अपने बच्चों को, वो भी अलग होता है। जो मतलब अमीर घराने के होते हैं उनका भी मतलब उतना अपना मतलब बच्चा को जो शिक्षा है वो भी अलग होता है, वो लोग भी अलग से अलग तरीके से देते हैं। और यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली वो लोग भी अलग तरीके से देते हैं। तो क्या यहाँ पे मतलब हम लोग का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, हम लोग को बचपन से मतलब सिखाना क्या चाहिए। तो बचपन से हम लोग को अगर रियलिटी में बताओ तो मतलब यहाँ पे मिडिल क्लास पकड़ लीजिए या पूर फैमिली में पकड़ लीजिए, हम लोग को मतलब बहुत ही प्रेशराइज किया जाता है मतलब बचपन से ही कि मतलब हाँ ठीक है तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और मतलब क्या हुआ, ज़्यादा रट्टा मारने के लिए हम लोग को ज़्यादा बोला जाता है, ना कि हम लोग को लाइफ का जो मीनिंग है वो सिखाया जाता है, जीवन का मीनिंग का अर्थ क्या है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग मतलब बचपन से जब हम लोग नर्सरी से स्टार्ट करते हैं और क्लास 10 तक, फिर हम लोग 10 एग्ज़ाम बाद पास होने के बाद हम लोग 12 जाते हैं, फिर 12 एग्ज़ाम में अपना करियर चूज करना पड़ता है तो आप लोग कौन सा सेक्टर में जाते हैं। तो उसके बाद कोई कोई मतलब क्या होता है, आज मतलब पहले से ही तो बोलते ही थे, अभी थोड़ा चेंजेस हम लोग को लाना पड़ेगा। तो माँ बाप को प्रेशराइज किया जाता है कि मतलब बच्चों को बोला जाता है माँ बाप के तरफ से कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने, या मतलब और कुछ भी सेक्टर में आप लोग जाइए। तो यहाँ पे अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे प्लम्बर बनना है, तो या यहाँ नहीं मुझे यहाँ पे आर्टिस्ट बनना है, नहीं यहाँ पे मुझे मतलब कुछ फुटबॉल प्लेयर बनना है, क्रिकेट प्लेयर या एक्सेट्रा कुछ बनना है, तो मतलब वहाँ पे आप लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोग को मतलब ई स्पोर्ट्स के में भी जाना है तो वो लोग सपोर्ट नहीं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि अपना बच्चा सक्सेसफुल बने, और मतलब अपने जो मतलब पड़ोसी है, पड़ोसी और घर वाले परिवार को भी मतलब प्राउड फील करे, तो ऐसे मतलब सोचते हैं, ना कि गाइस यहाँ पे हम लोग को ये सिखाया जाता है कि मतलब जीवन का अर्थ क्या है। तो कि गाइस यहाँ पे जैसे बुक में लिखा होता है कि मतलब हाँ जैसे सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, सोशल साइंस, ये मैथ्स, बाकी ये साइंस वगैरह है, तो एक्सेट्रा, सो कि सबका सब्जेक्ट होता है जो कि हम लोग को जरूर से ज़रूर अच्छे से हम लोग को पढ़ाई भी करना है। और उसके बाद ही हमें ये बनाना चाहता हूँ कि जीवन का अर्थ तो मतलब स्ट्रगल है, जो कि गाइस यहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट करके मास्टर डिग्री भी कर रहे हैं, क्योंकि MBA अभी आप देख सकते हैं कि मतलब MBA साहब वाला भी मतलब MBA करके साहब बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वही है कि उसका लाइफ का जो संग्राम है उन्होंने उसको मतलब यूटिलाइज किया, अपना जो यहाँ पे स्किल्स है उन्होंने अपना जो यहाँ पे स्किल को जो दिखाया है अपने जनसाधारण को, तो वो दिखाना चाहिए। अपना एंटरप्रेन्योरशिप खुला है, लेकिन पहले जो बोलो स्ट्रगल करते थे अकेले से, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे जब वो सक्सेसफुल हो गए तो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ वही है। अगर मतलब आप करते रहिए, जो मतलब आपको मन का इच्छा हो वो करिए, और आप अच्छे मतलब काम करिए, तो आप लोग एक ना एक दिन बन ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग को इस फील्ड में जाना ही है फोर्सफुली, किसी को हम लोग बना नहीं। देखिए हर यहाँ पे
पे ये बोल रहा हूँ कि मतलब इंडिया में देखिए मतलब बहुत सारे लोग ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर एक ही फील्ड में जाएंगे तो मतलब मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरे को ये बनना है, वो बनना है, लेकिन वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे धरती में देखिए या अपना बॉडी में ही देखिए, हर पार्ट इक्वल थोड़ी होता है, हर पार्ट इक्वल नहीं होता है। और यहाँ पे जो हम लोग का पेड़ भी है, जो पेड़ तो हर तरह के पेड़ है, हर तरह का पेड़ है तो मतलब हर तरह का खूबी है उस पेड़ का, पौधा का। तो गाइस यहाँ पे सभी इंसान का भी वही है, जो प्रकृति ने बनाया है वो हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। ना कि हम लोग अगर बोलते हैं कि मतलब सब लोग यही करो यही करो, तो गाइस यहाँ पे सब लोग तो वो बन नहीं पाएंगे ना, क्योंकि सब लोग का नेचर अलग होता है, सब लोग का नेचर के हिसाब से ही हम लोग को वो करना पड़ता है। तो इसलिए मतलब बाहर का काउंट्री इसलिए ग्रोथ कर रहा है कि मतलब अभी देखिए चाइना भी अपना जो बच्चा जो पैदा होता है उसका डीएनए, पैदा होने से पहले ही कैसे यहाँ पे डीएनए लिया जाता है, उसका डीएनए से कैसे यहाँ पे ट्रैक करके वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो बच्चा मतलब कौन से सेक्टर में मतलब एक्सपर्ट है। तो मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी भी निकल गया है ताकि कैसे वो मतलब अनएम्प्लॉय ना रहे और यहाँ पे मतलब एक सक्सेसफुल इंसान पर्सन हिसाब बन सके। तो गाइस वही है। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है कि एजुकेशन सिस्टम्स यहाँ पे हम लोग इंडिया का जो कि है मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मतलब जब से हम लोग ब्रिटिश लोग ने हम लोग से इंडिया में जब से कब्जा किया है तब से गाइस यहाँ पे मतलब हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही मतलब ख़राब गया है। तो उससे पहले गाइस यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का था तो हम लोग तो बाहर बाहर से लोग जैसे पूरा वर्ल्ड वाइड इंडिया में आके पढ़ने के लिए मतलब इंडिया में यूनिवर्सिटी पहले हुआ करता था। तो मतलब पहले प्रमाण भी मतलब बहुत कुछ मिला है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग को गीता भगवत गीता में आप लोग का एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब वहाँ पे मतलब वही है कि मतलब धर्मगुरु बोलने से कि हम लोग का ये भगवत गीता है जो हम लोग को एजुकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड करना चाहिए। अभी गाइस यहाँ पे गुजरात एंड कर्नाटक का यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे कि वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट करके वो लोग करने वाला है। तो मार्च 2022 में ये अनाउंसमेंट हुआ था। तो गाइस यहाँ पे वो भी अच्छा है कि मतलब गवर्नमेंट भी मतलब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं भगवद गीता को, जो कि गाइस बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण है, वो भी ऐड करना चाहिए ताकि गाइस यहाँ पे नॉलेज मिले सबको और यहाँ पे शिक्षा अच्छे से हो। और यहाँ पे जीवन का जो अर्थ है वो भगवद गीता में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो अगर वो अगर जीवन का अर्थ अगर सबको पता चल गया तो गाइस यहाँ पे भगवद गीता में भी बोला है कि सब लोग एक दूसरे का हेल्प करिए। अगर हेल्प अगर हम लोग एक दूसरे का अगर सहायता करने जब लग गए ना तो गाइस यहाँ पे गरीबी मतलब यहाँ पे बसेगा ही नहीं, सब लोग सुख रहेंगे और यहाँ पे सबका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और एक दूसरे का अगर हेल्प करना ही हम लोग का धर्म है, अगर हम लोग वो अगर नहीं करते पहला धर्म है हम लोग को अपने माँ पिता अपने परिवार और अपने भाई बहन को संभालना और उसको केयर टेक करना। तो कि गाइस यहाँ पे वो पहला धर्म है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा धर्म है कि हम लोग को जो हम लोग सहायता करते हैं मतलब दूसरे लोगों को भी सहायता करते हैं बिना किसी मतलब बिना किसी मतलब लोभ भाव के मोह भाव से हम लोग सहायता करते हैं, वो गाइस यहाँ पे पुण्य काम माना जाता है। जो हम लोग को सहायता करना चाहिए एक दूसरे को ताकि एक इंसानियत के नाते हम लोग को सहायता करना चाहिए। तो हम लोग परहित के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि दूसरों की भलाई के कर्म ही पुण्य हैं और दूसरों की पीड़ा देना ही पाप कर्म है। तो ये गाइस यहाँ पे दूसरों को अगर हम लोग दूसरों को सहायता करते हैं वो पुण्य कर्म है, वो अच्छा कर्म है, वह अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम लोग दूसरों को हम लोग दुख देते हैं, अगर देखिए यहाँ पे हम लोग को अगर देखिए कोई कोई लोग पैसा नहीं होता, अगर जब पैसा मिल जाता है जब सब सुख सुविधा मिल जाता है तब वो लोग क्या करते हैं मतलब यहाँ पे मनमानी करते हैं, उसके बाद जीवन का अर्थ वो भूल जाते हैं कि मतलब क्यों यहाँ पे इंसान होके हम लोग जन्म लें। तो यहाँ पे भूलने के बाद हम लोग क्या करना चाहिए जीवन में वो हम लोग भूल जाते हैं और यहाँ पे हम लोग पाप कम करने लगते हैं और यहाँ पे दूसरों को हम लोग दुख पहुँचाते हैं। तो ये काम हम लोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो शिक्षा है वो गीता में और भी बहुत कुछ है, जो गीता में मतलब जीवन का मूल अर्थ यहाँ पे आप लोग कैसे मतलब यहाँ से परमात्मा से मिल सकते हैं वो उसके बारे में भी लिखा गया है। तो एक दूसरे का हित करना हम लोग का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, सो कि यहाँ पे लिखा है। और
प्रहित और जीवन का मूल अर्थ यहाँ पे दिया गया है। तो गैस यहाँ पे गीता, आप लोग भागवत गीता अगर नहीं पाया तो गैस यहाँ पे जरूर से जरूर यहाँ पे आप लोग भागवत गीता यहाँ पे सुन सकते हैं और यहाँ पे आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ ई बुक आप लोग डाउनलोड करके आप लोग गूगल को गूगल में मिल ही जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड कर रहे हैं, वो अच्छी बात है स्कूल से भी। और जीवन के गोल अगर आप गोल्स ऑफ लाइफ थर्ड यहाँ पे पॉइंट में आते हैं। सो अगर आपका लोग का लाइफ का अगर गोल अगर ठीक सही नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर देखिए आप अगर किसी चीज़ को एम कर रहे हो, अगर किसी चीज़ को पाने के लिए एम कर रहे हो तो मतलब उस चीज़ को पाने के लिए आपको मतलब तय दिल से लगना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम्स आएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर, लेकिन उस प्रॉब्लम से आप लोग को लड़ाई करके फाइट करके जाना होगा, तभी आप लोग कभी मतलब गिरना नहीं है, तो तभी आप लोग को उस गोल पे आप लोग पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग का अगर आप लोग अगर आधा रास्ते में ही अगर हार मान जाए तो गैस ये गोल आप लोग को कभी पूरा नहीं होगा। जीवन का हर जीवन हर लाइफ का हर इंसान का एक गोल होता है। तो आप लोग को जो टास्क दिया है, जैसे हम लोग का हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम खेलने के टाइम हम लोग को ये मिशन कम्प्लीट करना है बोल के मतलब आप लोग लगे हुए जाते। तो कोई कोई बहुत लोग का आजकल न्यूज़ में भी देखने के लिए मिला है कि मतलब इतना एडिक्टेड हो चुका है मतलब गेम में, तो अपने माँ पिता को भी मार देते हैं या दूसरे इंसान को भी मार दे रहे और यहाँ पे खुद को भी मतलब सुसाइड कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। तो ये गाइस यही होता है कि हम लोग को जो यहाँ पे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है वो अगर सही से हम लोग को गाइड नहीं किया जाता है तो गाइस ये मतलब परेशानी हम लोग को दिखने के लिए मिलती है। तो गाइस इसलिए मतलब हम लोग को बच्चा से अगर जब बच्चा पैदा होता है तब से हम लोग अगर एक अपने परिवार अपने माँ पिता और अपने बच्चे को अगर सही शिक्षा दे तो गाइस ये प्रॉब्लम तो कभी हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे जब सब लोग मतलब ज्ञानी बन जाए नेक्स्ट जनरेशन तब गाइस ये प्रॉब्लम सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो मतलब एक खुशहाल मतलब यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो मनुष्य जाति का जो भलाई होगा तो उसी बात पे है, तो यहाँ पे वही दिया गया है। तो उसी के साथ ही आप लोग को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए और यहाँ पे सहायता करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत लोग देख सकते हैं कि मतलब बहुत लोग इंडिया से होकर बाहर भी जा रहे हैं, कनाडा वगैरह में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गए यहाँ पे क्या होता है कि मतलब फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करने लग गए ताकि यहाँ पे फ्री भी यहाँ पे एक कनाडियन रुपीस 60 रुपीस होता है और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम फ्री है। तो कि हम लोग को एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी गए यहाँ पे जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट। तो कि गए यहाँ पे मतलब आजकल बहुत सारे फीस ले रहे, तो गए यहाँ पे अगर एजुकेशन सिस्टम मतलब पढ़ाई जो है मतलब एक मतलब पर्सन का मतलब भविष्य है। तो अगर भविष्य अगर एक पर्सन अगर कुछ पढ़ाई करना चाहिए तो कुछ उसको रिलैक्सेशन देना चाहिए या फ्री कर देना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को, ताकि गैस यहाँ पे सभी लोग पढ़ के आगे बढ़े। या ये नहीं कि आजकल मतलब एजुकेशन जो है एजुकेशन एक बिजनेस जैसा हो चुका है, तो गैस इसलिए मतलब वो एजुकेशन अगर बिजनेस ना हो के एजुकेशन अगर सही मार्ग पे चले तो गैस यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं आगे जाके। तो यहाँ पे हम लोग का मतलब इंडिया का जो फ्यूचर है वो ब्राइट दिख रहा है। तो उसी के साथ ही यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और भी वीडियो लाते रहेंगे। और उसी के साथ जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।